शॉर्ट्स। हेलो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक हिस्टोरिक गार्मेंट की जो 1800s में शेपवेयर या अंडरवेयर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यूरोपियन वुमेन अपनी लिनियर बॉडीज पे कर्व्स अचीव करने के लिए इसको पहनती थी। मैं बात कर रही हूँ कॉर्सेट्स की। कॉर्सेट्स तब आइवरी बोनिंग और फैब्रिक के साथ बनाए जाते थे और वुमेन उसे जितना हो सके उतना कस के बांधती थी ताकि वो अपनी वेस्ट सिंच करके एक आवरग्लास फिगर अचीव कर सके। यू सी शार्ट्स, कर्व्स अचीव करना उनके लिए इतना एसेंशियल था। और हम इंडियन वुमेन जो नेचुरली वेल एंडाउड और कर्वी हैं, हमें हमेशा अपने कर्व्स छुपाने की सलाह दी जाती है। अब इन्हें कौन समझाए कि कर्व्स एक्चुअली अच्छे हैं। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम लावण्या है। और मेरा नाम कृति है। और हम दिल्ली से आए हैं और लिया क्लोथिंग को के फाउंडर से। लिया क्लोथिंग एक ऐसा फैशन ब्रांड है जो हर साइज और शेप की औरतों को सेलिब्रेट करता है। हमारे कपड़े अपनी टेलरिंग, क्वालिटी और कंफर्ट में बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। हमने एक प्रोप्राइटरी साइजिंग चार्ट भी डेवलप किया है स्पेसिफिकली इंडियन बॉडीज के लिए, ताकि चाहे आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के हो या 5XL, सब वुमेन हमारे कपड़ों में कॉन्फिडेंट फील कर सकें। इसके अलावा हमारे पास दो सिस्टर ब्रांड हैं, सांझ बाय लिया और लांच बाय लिया। सांझ बाय लिया जहाँ एक्सक्लूसिव एथनिक वेयर देता है, वहीं पर लांच हमें स्विम वेयर और लॉन्ड्री डिलीवर करता है। हम अपने ओकेजन वेयर के लिए भी बहुत फेमस है। हमने अपनी जर्नी 2021 में शुरू करी थी और प्राइमरली हम ऑनलाइन अपने ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू सेल करते हैं और मेजर मार्केट प्लेस पे भी अवेलेबल हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे कपड़े बनाएं जो कर्वी वुमेन को ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करे, ताकि वो खुशी से खुलकर उन्हें पहन सकें। इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore for 2% equity. So Shark, let's celebrate Curvy Women one Lee at a time. Thank you. Thank you. Lavanya, Kriti. Yes. Welcome to Shark Tank, India. Thank you. तो ये बताइए, ये नाम लिया कहाँ से पड़ा? लिया actually Latin में lioness की तरफ translate करता है। Oh wow. Okay. जो juxtaposition होता है एक woman होने का, we're ferocious and we're nurturing, we're compassionate, yet we can be the providers. उस beautiful complexity of being a woman को celebrate करने के लिए हमने लिया नाम। Very nice. आपका favorite color purple है? Lavender तो हमारा signature बन चुका है, हमने काफी Like you can see, Namita. इनको यहाँ खड़ा कर दो तो सही नहीं लगेगी। आप दोनों कैसे जानते हैं किसे? Mother daughter. She gave birth to me. I can't believe it. तो अपनी startup story बताइए। मैं अपने undergrad के लिए US गई थी, तो मैंने अपना एक double major किया था University of California at Los Angeles, UCLA पे। मैंने economics और philosophy में double major किया था, specialization in entrepreneurship. मेको वहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग बुटीक ब्रांड्स मिले थे एंड कॉर्सेट्स एक ऐसा सिल्यूएट था जो काफी पॉपुलराइज हो रहा था उस टाइम पे। और मैं जब वापस आई थी, मैंने गूगल सर्च भी किया था लाइक कॉर्सेट्स ऑनलाइन इंडिया, एक सिंगल रिजल्ट भी नहीं आया था। दिस इज फॉर टॉकिंग लाइक एंड ऑफ 2019। और मेको लगा कि ओके, देन दिस इज अ गैप। तो तभी मुझे लिया का आइडिया आया, विच वुड बी अ मिड प्रीमियम ब्रांड जिसपे हमारा फोकस जाएगा ओकेजन वेयर में, लाइक यू नो योर अमेजिंग ड्रेसेस, योर कॉर्सेट स्टाइल टॉप्स एंड एवरीथिंग कर्वी वुमेन को माइंड में रख के। हस्बैंड एक गारमेंट एक्सपोर्टर हैं। अच्छा। तो मैं एक्सपोर्ट्स में बैक एंड ऑपरेशंस में उनकी हेल्प करती हूँ। सो मैंने इसको ज्वाइन किया था बैक एंड ऑपरेशंस में। अभी फुल टाइम हो आप? हाँ जी, फुल टाइम। चलो, बेटी के प्यार में हस्बैंड को छोड़ दिया आप? हाँ जी। I am all good with it. You didn't want to join? आपको उनको ज्वाइन करने में? नहीं, कुछ अपना खुद का करना चाहती थी जैसे उनने किया था। मैंने देखा उन्हें कमिंग फ्रॉम अ मिडल ऑफ नोवेयर टाउन इन हरियाणा टू बिकमिंग एंड क्रिएटिंग अ अमेजिंग बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग था। और लावण्या, आपके डिजाइन जब मैं यहाँ देखती हूँ, इट सीम्स मोर लाइक पार्टी वेयर। पूरा आइडिया था मोर टू फोकस ऑन ओकेजन वेयर, चाहे वो हो बर्थडेज के लिए, चाहे वो बैचलरेट पार्टीज के लिए, ब्राइडल शावर्स के लिए, आपके डेट नाइट्स के लिए। हमारे पास एक्चुअली कस्टमर्स हैं जो 3 साल से हम चल रहे हैं, तीनों साल अपने बर्थडेज पे उन्हें सेव करके सिर्फ लिया की ड्रेस पहनी हुई है। एन एवरेज प्राइसिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वो देखूं द रेड वन, यस, जिस जो काफी इलैबोरेट है, yes. Versus maybe the other red one with the heart shape, जो slightly simpler. Yes, red Isabel जो dress है, वो होगी around 8,000 की. Okay. तो corset का price होगा 3,990 और skirt का price होगा 3,290. So almost about 7,200 rupees. हाँ जी. ऐसे options आपको Amazon, Myntra पे भी मिलेंगे, right? Respectfully, not really. हमारा first corset हमने 6 renditions बनाए थे actually before we finalized this. Corset ही है जो आपने पहना? हाँ जी. ऐसा क्या अलग है कि बहुत अलग है? उसमें एक टेक्निक होती है, टेलरिंग की टेक्निक, जो काफी कॉम्प्लेक्स स्टाइल गारमेंट होता है। तो हमने, हमारे टेलर्स आई वुड से टैलेंटेड बियॉन्ड बिलीफ, हम जिस तरीके से उसे बनाते हैं विद द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स,
जैसी लाइनिंग और फ्यूजिंग टेक्निक्स यूज करके और फिर बोनिंग यूज करके वो हमें डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एनी अदर कंपेटिटर। इफ यू कांट कन्विंस कंफ्यूज। हां जी। पर मैं तो अभी मेको दिस मेक सेंस बट फैशन में समझ गए। हां ये टेक्निक हो गई। हां जी। वहां जो गोल्ड ड्रेस है हां जी और उसके पीछे भी एक जो एक आई थिंक इट्स अ लिटिल मरून काइंड वाइन ड्रेस वो दो डजंट फिट विद द ओवरऑल सेंसिबिलिटी एट ऑल। हमारे एक्चुअली जैसे कृति जी भी कह रही थी हमारे दो सिस्टर ब्रांड्स हैं। कृति जी मम्मी बोल दो। मम्मी बोल दो। मेरी मम बोल रही थी ऑफ कोर्स। अब मैं यूज्ड टू हो गई ऑफिस में भी उन्हें बोलती हूं ना मैं तो अब यूज्ड टू हो गई। दैट्स नाइस। हां जी। सो जैसे आप देखिए साड़ीज भी हैं तो वो है मेरा सांझ पहलिया एथनिक वेयर ब्रांड और जो आपने टच किए थे वो एक्चुअली लांज बेलिया के हैं तो वो स्विमवेयर कवर अप्स हैं। आप नाम बड़े ढूंढ के लाते हो सांझ मांज ली। सांझ एक्चुअली मेरे बोथ नानी और दादी के नाम को जुड़ा के बनाए तो संतोष एंड लाजवंती। और लांज कहां से है? मैं जब कॉलेज में थी मैं एक ब्रू इन एक्सेलरेटर प्रोग्राम में थी और ये मेरा आइडिया था कि एक साइज इंक्लूसिव लॉन्जरी ब्रांड के लिए और मैंने उस टाइम पे 2016 में लॉन्च व्हिच मींस एंजल नॉस्टैल्जिया सिक। इतनी अर्ली इन योर जर्नी आपने दो और ब्रांड लॉन्च कर दिए एंड तीन ब्रांड्स फैशन के चलाना तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स बट आई थिंक हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें आई वुड लाइक टू से। पर वो जनरली ऐसा होता है जब स्केल नहीं कर रहे। हां जी। हमने देखा कि हमारे कॉर्सेट्स को कस्टमर्स साड़ीज और लहंगास के साथ पेयर कर रहे थे और इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप चाहेंगे कि हम भी ऐसी ऑफरिंग्स आपको दें क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आ रहा है। एंड द आंसर वाज अ रिजाउंडिंग यस। तभी हमने सांझ बेलिया लॉन्च किया एंड हमारा जो लॉन्च प्रोडक्ट था वी डिड अ लॉट ऑफ कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउजेस विद हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड फ्री स्टिच साड़ीज। मेरे हिसाब से कस्टमर की बात सुनना सबसे ज्यादा हमारा धर्म है एज अ ब्रांड ओनर। एंड सेम विद लॉन्च क्योंकि हमारे पास हमारे कस्टमर्स आते थे और पूछते थे कि हम अपने लिया प्रोडक्ट्स के नीचे क्या पहने लाइक मैं इसके साथ कैसी ब्रा पहन सकती हूँ या इसके साथ कैसे। सांझ लॉन्च एंड लिया कितने परसेंटेज आपके प्रोडक्ट्स कॉर्सेट टाइप्स? आई वुड से एटलीस्ट 75-80% में है तो कॉर्सेट के लिए हम जाने जानते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स को भी लिया के नाम से क्यों नहीं बेच सकते थे? क्योंकि जैसे सांझ के प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर हम हैंड एम्ब्रॉयडरीज कर रहे हैं उसमें हम थोड़े एलिगेंट फैब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो उसका प्राइस पॉइंट हायर हो जाता है। जैसे अगर मेरा ASP लिया के लिए है 6900 सांझ के लिए होगा अराउंड 12,000-13,000। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन फैशन इज इन्वेंटरी राइट। आपको मल्टीपल साइजेस रेडी रखने होते हैं बिकॉज कस्टमाइजेशन हैज इट्स ओन चैलेंजेस। ऑफ कोर्स। हां जी। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? हमारा एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि हम कभी डेड स्टॉक पे बैठना नहीं चाहते। Good, तो एक्चुअली हम से एक स्टाइल में ना 25 पीस से ज्यादा का प्रिपेयर कर ही नहीं रहे थे। जो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ब्लो अप हो जाते हैं जैसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वायरल जाते हैं सोशल मीडिया पे भी जैसे ये वाला 3 साल से कोई से हाथ नहीं लगा पाया स्टिल डेट वी हैव डन लाइक 6-7 कलर्स तो इसके लिए जैसे हम एक्स्ट्रा इन्वेंटरी रखते हैं। एक सेकंड आप थोड़ा आप सब चीज बहुत एनेक्डोटली बोलती हैं तो समझ नहीं आता है इनके क्वेश्चन को थोड़ा क्वांटिफाई करेंगे कितने डेज की इन्वेंटरी रखती हैं कितना आपका डेड स्टॉक होता है। 1.5 महीने की इन्वेंटरी है 25-30 lakhs का और हमने वो विदिन 4 months we actually broke even and became profitable and we have been profitable ever since. Very nice. कब लॉन्च किया आपने? January of 2021. और अभी last month आपने क्या sales? Last month मेरी अपनी website से हुई थी around 40 lakh की sales and marketplaces के साथ मिला के मेरी around 60 lakh की sales. Very nice. Last year में हुई थी मेरी 3 crore net sales, 4.35 crores gross sale and उससे पहले मेरी हुई थी 1.5 crores की gross की net sales and 2.35 crores की gross sales. तो every year double हो रहा है धंधा मोटा। हाँ जी। आप लोगों ने अपना क्यों नहीं स्टोर शुरू किया? एंटरिंग रिटेल वेरी बिग फिक्स्ड कॉस्ट। या एक्चुअली मैं लास्ट ईयर खोलने वाली थी बट मैंने सोचा ओके ऑर्गेनिकली अगर मेरा इतना आ रहा है जो पैसा मैं डालने वाली थी स्टोर में उसे मैं डालती हूँ चलो इनऑर्गेनिक और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में देखे कैसे आता है। इंडस्ट्री एवरेज यूजुअली होता है रोएस आता है 3-3.5 का हमारा अभी 6x का रोएस चल रहा है। कितना स्पेंड कर रहे हो मार्केटिंग कंपेयर टू अदर ब्रांड्स? काफी लिटिल 6 लाख के आसपास अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इस बजट को सडनली अगर अगले मंथ 12 कर देंगे तो सेल्स डबल जा रहा है? इसीलिए एक्चुअली इंक्रीज कर ये मैं फंडिंग क्यों लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए क्योंकि हमें मार्केट प्लेसेस से भी और काफी सारे ऑर्डर्स अब आ रहे हैं वी नीड टू कीप अप और मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारा ऑफ कोर्स
रिटेल एक्सप्लोर करने के लिए विद MBU. आपने बोला था 80% ग्रॉस मार्जिन है, मार्केटिंग इज ओनली 10-12%, तो जा कहाँ रहा है बाकी जो 19% जाता है टुवर्ड्स वेजेस, 18% जाता है टुवर्ड्स माय एडवर्टाइजिंग. परफॉर्मेंस मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन एक्सपेंसेस दोनों आप मिला के बताओगे तो वो मेरा 18 प्लस 9 फिर मेरा ये 27% का हो जाएगा. ओके, व्हाट एल्स? 8% गोइंग टुवर्ड्स माय कमीशंस एंड देन वी हैव लॉजिस्टिक्स का 4% एंड 2% इज माय एडमिन एंड ओवरहेड्स. हमारा एक और चीज है जो हमें सेपरेट करता है, व्हिच इज आवर इन्वेस्टमेंट इन फैशन टेक्नोलॉजी. इट्स कॉल्ड द लिया वर्चुअल ट्रायल रूम. दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, इट्स गोइंग टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट मंथ. पर अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ट्राई इट ऑन बटन पे, दिस ऑफ कोर्स आवर MVP, दिस एक्चुअली गिव्स अ हाइपर एक्यूरेट 3D मॉडल, एन अवतार ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन कस्टमाइज नॉट जस्ट बाय योर साइज बट आल्सो योर बॉडी शेप. जैसे अगर मेरी मॉम है, शी हैज अ ब्यूटीफुल पेयर शेप बॉडी, तो वो सिलेक्ट कर सकती हैं पेयर शेप. एंड हम अपना हाइट और वेट भी इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना स्किन टोन भी, और अपना हिप वेस्ट और चेस्ट के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी डाल सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि ये कार्ला सिल्क कॉर्सेट टॉप मेरे ऊपर कैसा लगेगा. किससे लाइसेंस किया? लाइसेंस नहीं किया, ये हमने बनाया है. अच्छा, आप में टेक्नोलॉजी? हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जिनके साथ हमने पार्टनर अप किया है फॉर दिस. बट ये ऐसे 3D ट्राय ऑन बहुत सारे थे, आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, आप यूज कर सकते थे. कितना स्पेंड किया आपने उसमें? 8,50,000 स्पेंड किया है. अगर आप 8,00,000 में SaaS सॉल्यूशन जो एग्जिस्टिंग है ले लेती तो वो शायद चीपर पड़ता, बट इट्स ग्रेट दैट यू मेड. चलो, नो इट शोज कि आप काफी वर्सेटाइल हैं. आप डिजाइनिंग के साथ-साथ प्रोडक्ट, बिजनेस, मार्केटिंग एंड इवन टेक्नोलॉजी. यस, सो दैट डेमोंस्ट्रेट्स कि एट दिस अर्ली स्टेज आप काफी कुछ एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज एग्जिबिट कर रहे हैं. तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक ऑफर करता हूं. तो आई विल गिव यू द 1 crore. हां जी, बट आई विल टेक 4%. ओके, which is 25 crore okay. valuation. In addition to that, I would ask for 2% of sales on as royalty until I make 1.5x my money. Uske baad 1.5 times your money. Money, and then that goes away. Thank you so much for the offer. Hame actually commitments वैसे भी मिली हैं for fundraising, and I think based on that. For the 1 crore at a 40 crore valuation, SSHA sign नहीं हुआ है, but वो commitment हमें दो partners से मिली है. AC Ventures and Agility Ventures. Women's में western wear and then occasional बहुत छोटा market है, and उसमें high price point पे और भी छोटा हो जाता है. And उन consumers के पीछे Instagram पे सारी brands लगी पड़ी हैं, because वो ही हैं top 1 crore women जिनकी affordability है. हाँ जी. तो ये आपको as you scale this marketing efficiencies का challenge आएगा, which is why आपको actually offline, which is exactly, top 100 malls में अपने stores खोलने ही पड़ेंगे, because वहाँ से आपको brand भी elevate होगा और आपकी marketing problem वहीं से solve होगी. हाँ जी. And इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. हाँ जी. So my offer is actually the same as Anupam's, which is 1 crore for 4% plus. And I don't mind going with him on this deal, because I think हम आपकी काफी मदद कर सकते हैं. Let's do it. But that's a very fair valuation, I think, what he's given. Yeah. So yeah, we'll come together. Okay, I love that. So Lavanya, I love your products, of course, but what I love the most is what you stand for. आप एक रेवोल्यूशन ला रही है. हाँ जी. So if you're okay, I would like to join the two of you at this offer. Are you joining Genesis? Do you want to join? Just अभी वही बोल रहा था. फंडामेंटली अभी तक आप लोगों ने अच्छा काम किया है, तो वी आर अज्यूमिंग कि शायद आगे आप चीजों को फिगर आउट करेंगे, तो इसीलिए मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा इसमें एंड आई वुड लव टू जॉइन देम. सो आई लव योर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और आपका ऑफर्स भी बहुत अच्छे मिले हुए. अनफॉर्चुनेटली मैं आउट होना चाहूंगा. मेरे को ये मतलब मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाऊंगा आपके बिजनेस में. बट आई थिंक यार क्या हो रहा है ना कि skin in the game is very important. Yeah. Because there's going to be work. Vinita se aapne sunai. Yes. So I think, look, if you want 4 sharks and you think everybody can help, thoda sa apne ko game up karna padega in terms of equity. And this I'm proposing on everybody's behalf. I'm happy if we all 4 come in. Okay. It'll cost you 1 crore for 6% and 2% sales on royalty. Valuation conscious nahi, value conscious rahiye.
we take a moment to make a call, please? Sure. Sure. Hello? Yeah. Yeah, Baba, so we have got a deal and we need input. Yeah, aap logon ki baatein sunegi kya? I think ye enthu hai. Ye haan thodi wo baat hai, but energy hai. I don't think she has a listening problem. Wohi, wohi, thoda sa mujhe laga. Thoda sa problem nahi hai mujhe. Okay. All right. We would like to offer a counter. Boliye na. I think jo aapne initially bola tha 1 crore for 4% equity, that sounds like fair in terms of what you were saying, value added. But jo 2% of sales till you recover 1.5% of your investment. 1.5x. So fir wo to thoda loan type ho jayega na. And then equity free mein ja rahi hogi. Agar aap sirf equity basis pe offer karta, haan ji, so I would have offered you a maximum of 10 crores. Most likely my starting offer would be 8 crores. वो आपको कतई पसंद नहीं. हाँ जी. तो the only way to make a deal work, मैंने वो royalty component डाला क्योंकि off the top आपके लिए ज़्यादा पैसे नहीं. Fashion में profitable business होना काफी काफी tough है और जो consistent growth हमारी रही है और जैसा हमारा retention rate है 32% मेरा retention rate भी है customer. नहीं लवान्या, we have confidence in you, इसलिए offer किया. Make a decision, लवान्या. 1 crore for 4% equity, तो 2% की जगह अगर हम 1% पे ले आए for the royalty, I think that could be something that is amenable. If I'll give you a counter on behalf of all four. Okay. देखिए 1 crore 4% जो valuation ask के वो agreed है. 2% royalty till 1.5 times is a no go for us. It's a final offer. 2% of the discount. No, it's too much. All right, we'll go for the deal. All right. Oh, nice. Good decision. You took a stand. Thank you. So looking forward to that. Were you a little like, nahi karo, nahi karo? I know. I really love your energy and I have a very good feeling. Me too. मुझे अकेले बैठे हुए फोमो हो रहा है थोड़ा. थैंक यू. थैंक यू गाइस.